सर आप इतने सेमिनार्स देते तो आपके आप सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब आप रोज सुबह उठते हैं आपको ये करना है, आपको इमेजेस बाजार आपका ये है वो, मतलब इतनी सारी चीजें आप हैंडल करते हैं, मतलब मैं भी अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे को मल्टीपल चीजें करने की शौक है, और कभी कभी कैसा होता है कि मैं थक जाता हूँ, नहीं यार छोड़ यार यार ये नहीं है, मतलब आपको कंटिन्यूस एनर्जी कहाँ से मिलती है सर, वो जानना है सर, कुछ ज्यादा जवाब दो सब जानते हैं लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते हम अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक पता नहीं क्या क्या करते, सब लोग करते हैं सो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक, बॉडी को फीड करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने माइंड के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, और माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है, जो आपको मेरी एनर्जी दिख रही है वो मेरी एनर्जी है क्या, इस बॉडी की एनर्जी नहीं है, इस माइंड की एनर्जी है, ये माइंड के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है, अभी ये जो सेशन हो रहा है क्या हो रहा है ये मत समझना कि ये एक मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को मोटिवेट करने में, बेसिकली ये एक एनर्जी शेयरिंग सेशन हो रहा है कि मेरी जो एनर्जी है जो एक्सेस है अगर मैं अपने अंदर रखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा तो मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए ये सेशन हो रहा है जिससे कि वो एनर्जी बाहर आए और वो आप तक पहुंचे, अब जब आप तक पहुंचेगी तो आप चाह करके भी उसको अपने अंदर नहीं रख पाओगे, यहां से बाहर निकलते ही आप जाकर के आगे शेयर कर दोगे, वो आगे शेयर कर देंगे और वो छोटे से छोटे तरीके से भी शेयर हो सकता है, सोच हो सकता है कि आप जब यहां से बाहर निकलो तो चेहरे पे एक अजीब सी हंसी हो, कोई देखेगा तो देख करके वैसे हंसने लग जाएगा और वो आगे 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 फैलते चले जाएंगे एनर्जी, लेकिन अभी मैंने जवाब नहीं दिया, जवाब ये है कि मुझे वो एनर्जी मिलती कहां से, एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई है यहाँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बॉडी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, माइंड के लिए कुछ नहीं करते, तो मैं अब माइंड के लिए क्या करता हूं, क्योंकि अगर माइंड ट्रैक पे होगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था और इस बात को ध्यान से समझना कि हम लोगों का इंसानों का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है, सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम वी आर ऑल पावरफुल बियॉन्ड मेजर, मतलब हमारे अंदर ये डीपेस्ट फियर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट फियर साइकोलॉजिकली, अगर आप अंदर 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 जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा डर हमारा ये है कि हमारे में इतनी पावर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि हम में से कोई भी एक इंसान यहां पर अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी दुनिया को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है, वही डर हमको रोकता है आगे बढ़ने से और उसकी वजह से हम इधर उधर अपने माइंड को भटका देते हैं, तो क्या करना है अपने माइंड के लिए, मैं क्या करता हूँ, वन इज आई मेडिटेट डेली, मेडिटेशन करता हूँ जिससे माइंड ट्रैक पे रहे, मेरे लिए नहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर टाइम नहीं होता तो नहाता नहीं, आज नहा के आया हूँ तो मैं नहाता नहीं हूँ चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करता हूँ, चाहे 5 मिनट के लिए करूँ चाहे 2 घंटे के लिए करूँ, लेकिन करता जरूर हूँ, 1, 2 कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता जरूर हूँ एक दिन में, चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ूँ चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ूँ, अच्छे का मतलब न्यूज़पेपर नहीं है ये आई थिंक यहाँ पे सबको पता होगा, अच्छे का मतलब टीवी पे महाभारत देखना नहीं है, अच्छे का मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे जो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो, जो मैल जम गया है माइंड के ऊपर, जैसे बॉडी के ऊपर मैल निकालते हैं ना रोज, वो जो मैल जम गया है थोड़ा सा और जमता ही है सबके ऊपर, मेरे अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ठीक हो जाता है, कुछ थोड़ा सा बोल देता हूँ ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने लिए भी कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ या आपको एनर्जी दे रहा हूँ तो मेरी भी तो एनर्जी बढ़ रही है ना, अगर आपको खुशियां बांट रहा हूं किसी भी तरीके से या बांटने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी भी तो खुशी बढ़ रही है ना, मैं भी तो अंदर से पीसफुल होता जा रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कुछ अच्छा हो सोसाइटी में तो मेरी भी तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, सो दैट इज दीज आर दोस थ्री वेज, एक मेडिटेशन, दूसरा बुक्स, तीसरा कुछ अच्छी बातें करना, और अच्छी बातें सिर्फ यहां पे नहीं कि अगर मैं सेशन में आया हूं तो यहां पे अच्छी बातें करूंगा, अगर मैं ऑफिस में हूं वहां भी अच्छी बातें करूंगा, घर में हूं वहां पर भी अच्छी बातें करूंगा, बुरी बातें भी होती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन नहीं है तो अच्छी बातें करो, उस एस्पेक्ट की पॉजिटिव साइड देखो, खत्म, सिंपल, ठीक है।